हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हम लोग जान सकते हैं मेरी जो भी कप्पी फिश वो कब बर्थ देने वाली है। अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे तो आप लोगों को पता होगा मैं रेगुलरली बहुत सारे सालों से कप्पी फिशेस का, मौली फिशेस का कंटिन्यूसली ब्रीडिंग करते रहता हूँ। मेरे पास बहुत सारा टैंक है, जैसे कि पीछे में ही आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा मेरे कप्पी फिशेस का फ्राइज है, बेबीज है। तो मैं कैसे प्रेडिक्ट करता हूँ कि जो भी मेरी कप्पी फिश है वो कब बर्थ देने वाली है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स होता है, ट्रिक्स होता है, जिसको मैं बहुत सारे सालों के एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। वो सारा चीज़ को मैं आज के इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए आज का जो भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और आज की वीडियो में आप कम्प्लीटली अच्छे से जान जाएंगे कि अगर आपके पास भी एक गप्पी फिश है तो वो कब बर्थ देने वाली है। इसलिए आज का जो भी वीडियो उसको कम्प्लीटली पूरा देखेगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मैं आने वाला हर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं गप्पी फिश के बारे में। गप्पी फिश बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी फिश होती है, बहुत ही हार्डी फिश होती है, और इस फिश को मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि इस फिश का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। और सबसे मेन चीज़, इसको ब्रीड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, और ये आपको बहुत सारी बहुत कलरफुल बेबीज़ वगैरह देते रहेगी जब तक आप इसको सही से ब्रीडिंग करते रहेंगे। बट आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपके पास एक गप्पी फिश है जो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है, तो हम लोग उसको कैसे जान सकते हैं कि ये जो भी गप्पी फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है, जिसको हम लोग बहुत ही ईजिली देख के समझ सकते हैं कि मेरी जो भी गप्पी फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है, वो होता है गप्पी फिश का ग्रेविट पॉइंट। ग्रेविट पॉइंट आप अभी जैसे वीडियो में देख रहे हैं, ये वाला पार्ट को हम लोग ग्रेविट पॉइंट बोलते हैं। जब भी एक गप्पी फिश बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली होगी तो उसको आप देखिएगा, ये ग्रेविट पॉइंट जो वो थोड़ा सा ह्यूज हो जाएगा। पहले नॉर्मली बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जैसे ही उसका धीरे धीरे बेली साइज बढ़ेगा, वैसे ही आप देखिए ग्रेविट पॉइंट भी जो है वो एकदम डार्क कलर का हो जाएगा, नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है आपकी जो भी गप्पी फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। तो आप ग्रेविट पॉइंट देख के भी अपने गप्पी फिश का समझ सकते हैं कि वो कब बर्थ देने वाली है। उसके साथ ही साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो होता है उसका बेली साइज। फीमेल गप्पी फिश का बेली साइज देख सकते हैं कि नॉर्मली ये कितना होता है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो बर्थ देने वाली होती है, तो उसका बेली साइज आप देख सकते हैं जैसे कितना ही ज़्यादा ह्यूज हो जाता है। अगर आपकी भी गप्पी फिश का बेली कुछ इस टाइप का ह्यूज है, कम्प्लीटली डी शेप का हो चुका है, इसका मतलब भी ये है आपकी जो भी गप्पी फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। और एक और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे आपको वीडियोज़ में मिलेगा कि हाँ वो कोने में बैठे रहेगी, या फिर कोई गप्पी फिशेज आप कंटिन्यूसली देखिएगा सरफेस पे आपके पानी वगैरह पिएगी, या फिर वो फूड्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेंगी, ये भी सच है। लेकिन ये सारी चीज़ को देख के प्रेडिक्ट करना कि मेरी गप्पी फिश बर्थ देने वाली है कि नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। कई बार ऐसा भी होता है, मैं जैसे देखता हूँ न्यू हॉबिस्ट लोग जो होते हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आता, वो लोग मेन जो है गप्पी फिश जो है वो प्रेग्नेंट ही नहीं है, लेकिन ये सारा सिम्टम्स दिखा रही है, तो वो लोग सोचते हैं कि मेरी जो गप्पी फिश बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। वो लोग वेट करते रहते, लेकिन वो लोग के पास ढेर सारा बेबीज वगैरह नहीं मिलता है, वो लोग इरिटेटेड हो जाते हैं, मुझे बहुत सारा कमेंट्स करते हैं। इसलिए कुछ फिशेज जो होता है ये सारा सिम्टम्स दिखाती है, लेकिन सबसे मेन जो चीज़ होता है जिसको आपको देखना है, समझना है, वो बस वही दो पॉइंट है जो कि मैं बताया हूँ। एक है ग्रेविट पॉइंट, वो बहुत बड़ा हो जाना चाहिए, और दूसरा जो है वो उसका बेली साइज़। अगर ये दोनों चीज़ अगर आपका ह्यूज हो चुका है, बहुत ही नॉर्मल एक गप्पी फिश का बेली से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसका मतलब ये है कि वो जो भी गप्पी फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाले हैं। बाकी जितना भी सिम्टम्स है कि जैसे कि वो सरफेस पे आके गैस्पिंग करेगी, या फिर वो किसी कोने पे बैठे रहेगी, या फिर किसी कोने पे अपना एक नेस्ट बनाएगी, पैलेट्स वगैरह नहीं खाएगी, बहुत सारा टिप्स होता है, लेकिन मैं जितना एक्सपीरियंस किया हूँ, कुछ कुछ गप्पी फिश जो होती है वो ऐसा बिहेव करती है, लेकिन कुछ कुछ गप्पी फिश जो होती है वो ऐसा बिहेव नहीं करती है। कई लोग का ऐसा कमेंट होता है कि बर्थ देने से पहले वो एकदम भी एक्टिव नहीं रहेगी, एकदम एक कोने में बैठे रहेगी, अपने आप को हाइड करके रखेगी, लेकिन मेरे पास बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ गप्पी फिश ऐसी भी थी जो कि एक दिन बर्थ देने से पहले बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि वो एकदम कल ही बर्थ दे देगी, बहुत अच्छे तरीके से पैलेट्स एक्सेप्ट कर रही थी, चारों तरफ घूम रही थी, और अचानक से नेक्स्ट डे वो ढेर सारा फ्राइज को बर्थ दे दी। इसलिए गप्पी फिश के बारे में आप ये चीज़ सोच के नहीं कर सकते कि अगर मेरी गप्पी फिश सरफेस में आके पानी पी रही है, इसका मतलब यही सिम्टम है कि वो गप्पी फिश जो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है, या फिर अगर मेरा गप्पी फिश आज पैलेट्स वगैरह नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसका बेली ह्यूज है, तो मे भी हो सकता है ये जो गप्पी फिश है वो बहुत जल्द बर्थ देने वाली है।
हो सकता है, चांसेस हैं, बस आपका जो भी गप्पे फिश का बेली साइज है वो ह्यूज होना चाहिए, क्रिविट पॉइंट जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ये सारा चीज़ रहेगा। इसका मतलब ये है आपकी जो भी गप्पे फिश वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। सो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारा कमेंट्स आता है ये सारे चीज़ के ऊपर, मैं लोगों का डाउट रहता है। होप करता हूँ आप लोगों को जितना भी डाउट था, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देखता हूँ, इंस्टाग्राम में देखता हूँ, आप लोगों को बहुत सारा डाउट रहता है, कमेंट्स वगैरह में देखता हूँ। अब इस वीडियो के बाद आपको जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर गप्पी फिश से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारा वीडियोस देखना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन का आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ढेर सारा मेरा वीडियोस पहले से ही मिल जाएगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है अगर आप गप्पे फिश का ब्रीडिंग करना चाहते हैं या फिर अगर आपके पास गप्पे फिश है। तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप ज़रूर से चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको ढेर सारा अमेजिंग वीडियोज़ मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा गप्पे फिश के ऊपर। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।